हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम के बाद आप लोगों के बीच हम आ चुके हैं एक नया व्लॉग लेकर। अभी आप लोग हैरान होने वाले होंगे या फिर ये सोच रहे होंगे कि आज का व्लॉग रेलवे के ऊपर कैसे हो गया। इस चैनल पे मैक्सिमम मैं बसों पे वीडियो बनाता हूँ, तो इस पे स्पेशलिटी कुछ ये है कि हमारी कांगड़ा वैली रेलवे जो पिछले एक डेढ़ साल से बंद पड़ी हुई थी, उसको अभी दोबारा से इन्होंने दो सेक्शन में स्टार्ट किया है, जोगिंदर नगर से पपरोला और पपरोला से कांगड़ा के बीच। आज हम सफ़र करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के जोगिंदर नगर से लेकर पपरोला, जो कि जिला कांगड़ा में पड़ता है, उसके बीच। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसा है आज का सफ़र। फिलहाल हम आ पहुंचे हैं जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन का बोर्ड। इस रेलवे लाइन का निर्माण पठानकोट पंजाब से लेकर हिमाचल के जिला मंडी जोगिंदर नगर के बीच हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक शानन पावर प्रोजेक्ट है जहां पे बिजली बनाई जाती है। इसको पंजाब गवर्नमेंट और ब्रिटिश ने मिलकर बनाया था। आज तक ये रेलवे लाइन चल रही है, लेकिन अभी इसके कुछ सेक्शन खराब हो चुके हैं जिसको रिपेयर जल्द से जल्द गवर्नमेंट को करना चाहिए। वैसे ये रेलवे लाइन पठानकोट से जोगिंदर नगर तक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी के जोगिंदर नगर से शुरू होकर पंजाब के पठानकोट तक जाती है, और वो भी उसमें जिला कांगड़ा पूरा क्रॉस करके बैनाथ से लेकर जसूर तक। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर दो गाड़ियाँ अभी जोगिंदर नगर से बैजनाथ पपरोला और बैजनाथ पपरोला से जोगिंदर नगर के बीच चल रही है। पहली गाड़ी सुबह 8 बजे चलेगी बैजनाथ पपरोला से, जो कि जोगिंदर नगर आपको 9:30 बजे पहुँचा देगी। वही गाड़ी वापसी में 10:35 पर चलेगी जोगिंदर नगर से, और 12 बजे के आसपास आपको बैजनाथ पहुँचा देगी। इसी गाड़ी में आज हम सफ़र करने वाले हैं, और जो उसका दूसरा पेयर है वो दोपहर को चलेगा वहाँ बैजनाथ से 1 बजे, जो कि जोगिंदर नगर आपको 2:30 बजे पहुँचा कर 3:30 बजे वापस जोगिंदर नगर से चलकर 5 बजे बैजनाथ पपरोला पहुँच जाएगी। ये जो यहाँ पर ZDM4 है लोको चल रहा है, ये काफ़ी पुराना हो चुका है, और यहाँ पर चढ़ाई वगैरह चढ़ने में लोकोमोटिव को काफ़ी दिक्कत अभी तक आ रही है। ये जो हमारा जिला मंडी का सेक्शन है, ये काफ़ी हिली एरिया है। आगे कांगड़ा तो नॉर्मल है, तो यहाँ पर ट्रेन दोबारा थोड़ी देर रुकी रही क्योंकि इससे
लोकोमोटिव से चढ़ाई नहीं चढ़ी जा रही थी, फिर उसके बाद हल्की सी पावर बनाने के बाद ये लोकोमोटिव आगे चला। यहाँ आप खुद देख सकते हैं कैसे चढ़ाई में लोकोमोटिव अपने आप पीछे को चलना लग पड़ा, आगे को नहीं चल पाया। अभी इसको रिपेयरिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस सेक्शन पर बिल्कुल भी अच्छे से ध्यान नहीं देती। शुक्र है चल पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने स्किप किए ये छोटा सा रेलवे स्टेशन चौंतरा बतेर। अभी पहले समय तो यहाँ गाड़ियाँ रुका करती थी, लेकिन अब यहाँ गाड़ियाँ नहीं रोकी जाती क्योंकि इधर ज़्यादा सवारियाँ नहीं आती हैं। ये रेलवे स्टेशन और बैजनाथ मंदिर रेलवे स्टेशन दोनों में अब गाड़ियाँ नहीं रुकती। इसके बाद हम लोग आ पहुंचे एजुर रेलवे स्टेशन, जो कि पठानकोट जोगिंदरनगर इस रेलवे लाइन का सबसे हाईएस्ट या सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है और ये जिला मंडी का आखिरी स्टेशन है अगर आप बैजनाथ पपरोला की तरफ जाएंगे। इसके बाद अब जिला कांगड़ा शुरू हो जाता है। आ रहा पता चला आ रही है।
उसके बाद हम लोग आ पहुँचे बैजनाथ पपरौड़ा रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन इस रेलवे लाइन का एक मेन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि मेन जो यहाँ से स्टार्ट होती है कांगड़ा वैली रेलवे वो यहीं से होती है। पीछे जोगिंदरनगर से बैजनाथ के बीच का सेक्शन अभी इतना खास डेवलप नहीं है, यहाँ ट्रेन भी धीरे धीरे चलती है लेकिन आगे अच्छी स्पीड में जाती है। अभी फ़िलहाल इस रेलवे स्टेशन का एक काम चल रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी और कोचेज़ जो है वो खड़े हुए हैं। चलिए अब आपको घुमाते हैं इस रेलवे स्टेशन को। वहीं बैजनाथ पपरौला से कांगड़ा के बीच सुबह 6 बजे गाड़ी रवाना होगी और वहां से वापसी 9:30 बजे कांगड़ा से आएगी पपरौला के लिए, और दूसरी गाड़ी शाम को 3 बजे बैजनाथ पपरौला से कांगड़ा के लिए चलेगी और शाम को 6 बजे वापस कांगड़ा से बैजनाथ पपरौला आ जाएगी। तो दोस्तों जैसा हम लोग आ पहुँचे हैं बैजनाथ पपरौला रेलवे स्टेशन पर, अभी इस रेलवे स्टेशन की हाल तो काफ़ी ख़राब है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जैसे मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, लेकिन पता नहीं यहाँ पे काम चल क्यों रहा है और क्या चल रहा है। मैं भी काफ़ी टाइम बाद यहाँ आया और ये हमारी ट्रेन जो पीछे आप लोगों ने देखी ये सिर्फ जोगिंदरनगर से पपरौला के बीच चल रही है, जिसकी टाइम टेबल आपको हमने बता दिया। जो पपरौला से कांगड़ा तक चल रही है गाड़ी वो यहाँ लगी है। तो दोस्तों जैसा आप लोगों ने हमारा आज का सफ़र था वो देखा, हमारा 2-3 ZTM4 लोग को यहाँ पपरौला तक लेकर आया। आगे इस ट्रेन को कहीं नहीं जाना है, ये यहीं एंड हो जाती है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।